जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। सबटाइटल दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं सबटाइटल होता क्या है। जब आप भी कोई मूवी या फिर कोई वीडियो देखते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक ब्लैक पट्टी में कुछ लिख के शो होता है स्क्रीन पर, तो उस वीडियो में जो भी बंदा बोलता रहता है वही आपको वहाँ पर स्क्रीन पर शो होता है, वही होता है सबटाइटल। उसी को CC लैंग्वेज बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा जान लेते हैं। फ़ायदा इसका यह है कि यदि आप, जैसे मान लीजिए आपका, आप भी यूट्यूबर हैं और आपके वीडियो आप हिंदी में बनाते हैं और आपके वीडियो अदर कंट्री में भी चलते हैं, तो फिर वो हिंदी तो समझ नहीं पाएंगे, फिर आपको उनको लिए सबटाइटल देना पड़ेगा। और जब सबटाइटल देंगे तो वो आसानी से आपका लैंग्वेज को समझ सकते हैं वहाँ पर, मतलब सुन के तो नहीं समझ सकते लेकिन पढ़ के समझ सकते हैं और आपकी वीडियो को समझ सकते हैं और आपके वीडियो पर कंटिन्यू रहेंगे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों। तो देर ना करते हैं, आपको ले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताएंगे वीडियो में कि कैसे आप अपने वीडियो में सबटाइटल ऐड कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने YT स्टूडियो को क्रोम ब्राउज़र पर ओपन कर लेना है, फिर अपने वीडियो को चूज कर लेना है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको YT स्टूडियो को ओपन करने में दिक्कत आ रही हो तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर वीडियो को चूज करना है और एडिट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको सबटाइटल का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाएगा आपको, अपलोड फाइल और यहाँ पर टाइप मैनुअल, दोनों से आप यूज कर सकते हैं। तो यदि आपके पास किसी वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं SRT फाइल को तो यहाँ पर डाउनलोड कर अपलोड कर देंगे और अन्यथा आप टाइप करके मैनुअली ऐड कर सकते हैं। यदि आप ये फाइल अपलोड कर देते हैं तो फिर आपका यहाँ पर डन का ऑप्शन जो है ब्लू हो जाएगा, आपको यहाँ पर डन करके सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर देंगे आपका सेव हो जाएगा और वीडियो में सबटाइटल ऐड हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक था दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।